नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जिनके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर सेल स्टार्ट हो चुकी है जिनमें दोस्तों काफ़ी ऐसे स्मार्टफोन हैं जिन पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। दोस्तों आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूँगा जिससे आप एक अपने लिए अच्छा फ़ोन परचेस कर सको और आप अपने लिए ऐसा स्मार्टफोन खरीद सको जो आपके लिए परफेक्ट हो और आपको कम दामों में मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मैं जब भी वीडियो पर डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको फ्लिपकार्ट सेल के उस ऑफर के बारे में बताता हूँ जिनमें आपको काफ़ी स्मार्टफोन सस्ते दामों देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पर सेल स्टार्ट हो चुकी है 20 तारीख से आज से, और दोस्तों जो अमेजन है वहाँ पर ही सेल स्टार्ट हो चुकी है। बट दोस्तों फ्लिपकार्ट जो सेल है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों फ्लिपकार्ट जो सेल है उसमें आपको डेबिट कार्ड के ऊपर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, जबकि दोस्तों अमेजन पर जो सेल स्टार्ट हो चुकी है उसमें दोस्तों आपको SBI का क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड जो है काफ़ी लोगों के पास नहीं होता, बट डेबिट कार्ड आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट की सेल के बारे में जिनमें दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों पहली डील की बात करें तो ये आती है दोस्तों रियलमी की तरफ से। दोस्तों रियलमी का Realme 7 आपको 6GB 64GB वाला इस सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले से प्राइस की बात करते हैं, तो दोस्तों ये फ़ोन वैसे तो 15,000 रुपये का है सेल के अंदर, पर दोस्तों अगर आप इसे HDFC बैंक कार्ड से खरीदते हो तो इसके ऊपर आपको 500 रुपये डिस्काउंट देखने को मिलेगा, प्लस दोस्तों 1,000 रुपये कार्ड डिस्काउंट देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों अगर आप इसे किसी भी कार्ड से खरीदते हो, किसी भी डेबिट कार्ड से खरीदते हो, तो आपको 1,000 रुपये डिस्काउंट देखने को मिलेगा, प्लस दोस्तों अगर आप इसे HDFC बैंक कार्ड से खरीदते हो तो 500 रुपये डिस्काउंट देखने को अलग से मिल जाएगा। इस तरह दोस्तों ये फ़ोन आपको 13,500 रुपये का पड़ सकता है। दोस्तों 13,500 रुपये में Realme 7 काफ़ी अच्छा फ़ोन है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो 15,000 रुपये है, बट दोस्तों 13,500 रुपये में काफ़ी अच्छी डील है। इसमें दोस्तों आपको 6.5-6.5 इंची डिस्प्ले दी गई है, और दोस्तों इसमें आपको 5 कैमरा देखने को मिलता है, प्लस दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा है, स्नैपड्रैगन का 720G, और इसकी दोस्तों बैटरी है वो भी दोस्तों काफ़ी फास्ट है। तो दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो रियलमी की ब्रांडिंग का हो और उसमें आप अच्छी गेमिंग कर सको, तो दोस्तों आप इस फोन को ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसकी जो डिज़ाइन है वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी दी गई है। बस दोस्तों इसमें एक परेशानी सिर्फ एक ही है कि इसकी जो दोस्तों जो बैक पैनल है वो प्लास्टिक का है, बट दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है प्राइस के हिसाब से। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी डील की, जो दोस्तों पोको की तरफ से। पोको का X3 इस सेल में आपको 15,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा, प्लस दोस्तों अगर आप इसे HDFC बैंक कार्ड से खरीदते हो तो इसके ऊपर आपको 500 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इस तरह ये फ़ोन आपको 14,500 रुपये का पड़ सकता है 6GB 64GB वाला। तो दोस्तों पोको X3 काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बस थोड़ा हैवी है और थोड़ा दोस्तों ठीक है, बट दोस्तों 14,500 रुपये में काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अगर आप इसे लेना चाहो तो ले सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी डील की। दोस्तों ये फ़ोन है सैमसंग की तरफ से। काफ़ी लोग होते हैं जिनको सैमसंग का डिवाइस चाहिए होता है, वो किसी और ब्रांड पर भरोसा नहीं करते। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ Samsung Galaxy F41 की। दोस्तों इस फ़ोन का 6GB 64GB वाला वेरियंट आपको इस सेल में 15,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। वैसे दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो 15,500 रुपये है, बट दोस्तों सेल के अंदर ये फ़ोन आपको 15,000 रुपये का देखने को मिल रहा है, प्लस दोस्तों आप इसे किसी भी कार्ड से खरीदते हो तो 1,000 रुपये का कार्ड देखने को मिल जाएगा, प्लस अगर आप इसे HDFC बैंक कार्ड से खरीदते हो तो इसके ऊपर आपको 500 रुपये का डिस्काउंट अलग से देखने को मिल जाएगा। इस तरह दोस्तों ये फ़ोन आपको सिर्फ 13,500 रुपये का पड़ सकता है। दोस्तों Samsung Galaxy F41 13,500 रुपये में बोलूँ काफ़ी अच्छी डील है, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि 13,500 रुपये Samsung Galaxy F41 काफ़ी अच्छा फ़ोन है, सैमसंग का लेटेस्ट डिवाइस है। अब दोस्तों बात करें अगली डील की, तो ये दोस्तों पोको की तरफ से फिर से पोको का M2 Pro। दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी अच्छा फ़ोन है, ये फ़ोन देखने में रेडमी के Note 9 Pro Max जैसा लगता है। दोस्तों इसकी प्राइस सेल के अंदर 4GB 64GB वाला वेरियंट आपको सिर्फ 12,000 रुपये देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों अगर आप इसे HDFC बैंक कार्ड से खरीदते हो तो 500 रुपये का डिस्काउंट देखने को अलग से मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये फ़ोन आपको सिर्फ 11,500 रुपये का पड़ सकता है। दोस्तों 11,500 रुपये में ग्लास बॉडी मिल रही है आपको, 5,000 mAh की बैटरी मिल रही है, बड़ी डिस्प्ले है, और दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 720G है, जिसमें दोस्तों आप अच्छी गेमिंग कर सकते हो, काफ़ी अच्छे फोटो ले सकते हो, वीडियो बना सकते हो, और दोस्तों देखने में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि दोस्तों इसकी डिजाइन है सेम रेडमी का Note 9 Pro Max जैसी है। तो दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसकी दोस्तों बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, ग्लास बॉडी हो, बैटरी बड़ी हो, डिस्प्ले बड़ी हो, और दोस्तों प्रोसेसर अच्छा हो, तो आप इस फोन को 11,500 रुपये कह सकते हो 4GB 64GB वाला वेरियंट। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट डील की, तो ये दोस्तों आती है आईफोन की तरफ से। दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जिनको आईफोन चाहिए होता है
दोस्तों काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ आईफोन ही चाहिए होता है, बाकी और किसी ब्रांड को वो नहीं लेना चाहते, क्योंकि दोस्तों आईफोन एक ऐसा फ़ोन है जो सबसे महंगा आता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आईफोन के 10R की। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन आपको इस सेल के अंदर काफ़ी अच्छे दाम में मिल जाएगा। दोस्तों इसकी जो प्राइस सेल के अंदर वो है 38 से 39 हज़ार रुपये समथिंग। बट दोस्तों अगर आप इसे HDFC बैंक कार्ड से खरीदते हो तो इसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, HDFC बैंक कार्ड से आपको इस सेल के अंदर 3,500 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, जिसमें दोस्तों ये फ़ोन आपको सिर्फ 36,000 या फिर 36,500 रुपये पड़ सकता है। तो दोस्तों 36,500 या 36,000 रुपये में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसे लेना चाहो iPhone 10R को लेना चाहो तो दोस्तों आप इसे ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो वैसे 40,000 रुपये से ऊपर आती है, बट दोस्तों सेल के अंदर ये आपको सिर्फ 36,500 रुपये तक का देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगेन दूसरा एक और फ़ोन है आईफोन ऐसे ही, दोस्तों ये फ़ोन आपको इस सेल के अंदर 28,000 रुपये का पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आपको आईफोन चाहिए होता है तो आप इन दोनों फ़ोन की तरफ देख सकते हो। दोस्तों काफ़ी अच्छे फ़ोन आईफोन के, ये एप्पल की तरफ से काफ़ी अच्छे फ़ोन है। और दोस्तों अगर आपको आईफोन 11 चाहिए तो दोस्तों वो इस सेल में आपको 48,000 रुपये का पड़ जाएगा। दोस्तों उसे भी आप देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों आईफोन के जो फ़ोन होते हैं एप्पल के वो थोड़े महंगे होते हैं, बट दोस्तों काफ़ी अच्छे होते हैं। तो दोस्तों यही थी वो डील जिनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। तो दोस्तों अगर आपको ये फ़ोन चाहिए, इनमें से किसी फ़ोन चाहिए, तो आप फ्लिपकार्ट सेल से ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों इन सबका 3-4 दिन के लिए डिस्काउंट चल रहा है फ्लिपकार्ट सेल के ऊपर। तो आपको इनमें से कोई सही फ़ोन चाहिए तो आप आसानी से परचेस कर सकते हो। ऐसा ना हो दोस्तों कि आप सेल के बाद में खरीदो तो इसकी दोस्तों इनकी जो प्राइस है वो फिर से वही हो जाएगी पहले थी, बट दोस्तों अभी ये थोड़े कम दाम मिल रहे हैं तो आप इन्हें ले सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।